हेलो एंड वेलकम एवरीवन डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो कंसंट्रेशन चल रहा था उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट फैक्टर्स देख रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को मोलारिटी तक की स्टडी कराई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मैलिटी को। तो चलो, अच्छा बच्चों, नॉर्मैलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम इस नॉर्मैलिटी के कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी करें। मतलब मोलारिटी जिसको हम पढ़ चुके हैं उसको नॉर्मैलिटी से कोरिलेट करके पढ़ा जाए तो उससे फायदा क्या होने वाला है। फायदा ये होगा कि जिसका छोटा होगा उसका भी रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों चीजें एक साथ चलने से आपको समझ में भी ज्यादा आएगी। तो ये देख लीजिए, मैंने एक साइड लिखा है मोलारिटी और एक साइड है हमारा नॉर्मैलिटी। क्या है इनमें, क्या डिफरेंसेस है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। मोलारिटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि ये एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए मोलारिटी कैपिटल एम आप कहते थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक डिवाइडेड बाई क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में लेते थे हम लोग, लीटर में कंसीडर करते थे। ये तो थी मोलारिटी। पहले बच्चे जब हम नॉर्मैलिटी की बात करेंगे ना तो यहां आता है आपका, देखो मोलारिटी में मोल्स, नॉर्मैलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। क्या लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। बात हमेशा किसकी करना, सॉल्यूट की, क्योंकि आपको हमेशा पता है मैंने पहले से ये चीज कह रखी है कि एक्सेप्ट मोलालिटी, मोलालिटी को छोड़कर बाकी जितने भी आप लोग पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं ना कंसेंट्रेशन को डिफाइन करने के, सब में ना सॉल्यूट और सॉल्यूशन का ही रोल रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट का जिक्र ही नहीं करना ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि विलय के तुल्यांकों की संख्या एक लीटर मिलियन में। कहने का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू क्या गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस तुल्यांक बोल दिया ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं। यह भी किसमें लेना, लीटर में। अब प्यारे दोस्तों यहां से आपको ये दो पॉइंट जानते हो कि जब आप लोग नंबर ऑफ मोल्स लाते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल है तो वो आप लोग हमेशा क्या लिखते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं बी लगा दिया, बी मतलब किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है, विलय की बात हो रही है, तो यहां पर भी आप लोग क्या बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो था आपका नंबर ऑफ मोल्स। कई बार इसी को कुछ स्टूडेंट यहां से देखना चाहे कि सर ये नंबर ऑफ मोल तो ये भी है, वो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और एक क्या आता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। सिमिलरली अगर बच्चों ये जो इक्विवेलेंस वर्ड आया, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया, तो आप आराम से समझिए, जब आप नंबर ऑफ मोल्स लेते थे तो क्या लेते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल था करके मोलर मास लिया। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अगर देखना है, मतलब तुल्यांकों की संख्या, तो वो क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ई गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ईवी का मतलब समझिए, ईवी क्या है, इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और ये चीज अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लाना है तो वो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम करके भी लिया जा सकता है, जहां वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। ठीक है, तो याद रखो कि जब आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लाना है तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स लाना है तो मोलर मास से डिवाइड करना है। इसी एनबी की जगह पे मैं ये जो फॉर्मूला है इसको यहां पुट कर दूंगा,
ये तो मेरा सॉल्यूट NP ही तो है। तो मोलारिटी की आप लोग फाइनल फॉर्मूला बनाते थे WB इनटू सॉरी WB डिवाइडेड बाय NP इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम किसमें लेते हैं लीटर में, बट बाय चांस वॉल्यूम मिलीलीटर में आ गया तो उस समय आप लोग तुरंत ऊपर में किसका मल्टीप्लाई करते थे 1000 का, जब हमारा वॉल्यूम किस में आ जाता था मिलीलीटर में। तो ये बना आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में आपने इसको देखा है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनाया है। सिमिलरली बच्चों यहां से अगर मैं नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रखूंगा, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या है तो वो है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मतलब कि WB अपॉन में EB इनटू डिनोमिनेटर में पहले से कौन मौजूद है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां रहना चाहिए लीटर में, अगर बाय चांस मिलीलीटर में आया तो आप तुरंत यहां क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 का। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि मोलारिटी में मोलर मास से डिवाइड करना ना, ये दोनों एम अलग अलग है भाई, इसलिए मैं इसको एम भी बोला ना, ये मोलर मास है और ये मोलारिटी है, ठीक है। तो यहां आप लोग समझ पा रहे हैं कि मोलारिटी में आपको मोलर मास से डिवाइड करना है और नॉर्मैलिटी में आपको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। अब ये तो मोलारिटी का काम हो गया खत्म, हम क्या करेंगे, हम हमारे नॉर्मैलिटी वाले कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इक्विवेलेंट मास ये जो नया वर्ड आ रहा है ना ईबी, ये एक्चुअल में क्या चीज है, तो ये याद रखना बच्चों कि इक्विवेलेंट मास शॉर्टकट में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, वो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। वो मोलर मास अपॉन क्या होता है एन फैक्टर, यहां एन जो है ना नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये एन फैक्टर है, और ये एन फैक्टर ना काफी ब्रॉड टॉपिक है, इस पर मैं पूरा एक लेक्चर शूट करूंगा जब मैं मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हमको चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना इसको शॉर्टकट में सीखना है, ताकि आपसे सवाल लगे, सवाल में कमी ना हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप एन फैक्टर को समझो, एन फैक्टर एक्चुअल में है क्या, तो आप जानिए एक बात कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो बेसिकली ना न्यूट्रल होते हैं मोस्टली, ठीक है। आयंस की बात नहीं कर रहा मैं, कंपाउंड लाइक वाटर न्यूट्रल है, आप इसको डिसोसिएट करोगे तो H+ OH- में टूटेगा, लाइक NaCl न्यूट्रल है, डिसोसिएट करोगे तो Na+Cl- में टूटेगा। तो जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, और ब्रेक होने पे वो चार्जेस बना रहा है, आयंस बना रहा है। आपको क्या करना है ना, एन फैक्टर लाना है तो आपको किसी एक चार्ज की वैल्यू काउंट कर लेनी है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, वैसे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आगे से अब आप याद रखिएगा ना, क्या मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। सॉल्यूट की होगी तो यहाँ पर आप सॉल्यूट लेना, डी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको HCl दिया, HCl को जब प्यारे बच्चे मैं ब्रेक करूंगा तो ये H+ और Cl- पर टूटेगा, तो उस समय आप देखिए कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक, इसलिए इसका एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसलिए अगर आप पूछूंगा इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर मोलर मास तो HCl का 36.5 होता है ना, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, ऐड करो 36.5 डिवाइडेड बाय कितना आया 1 आया। जब ध्यान से देखिए तो इस बार मोलर मास भी 36.5 आया और इक्विवेलेंट मास तुल्यांक भार भी 36.5 आया। तो क्या इक्विवेलेंट मास मोलर मास के हमेशा इक्वल है क्या, चलो चेक करते हैं। अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लिया, यहां से मेरे प्यारे दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा हूं H2SO4 की, ये जब ब्रेक करेगा ना तो ये 2 टाइम्स H+ प्लस ऑफ SO4 माइनस 2 बनाएगा, यस और नो। यहां पर अगर मैं एन फैक्टर कंसीडर करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों को कितना आने वाला है 2 आने वाला है, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब चार्ज कंसीडर कर लेना। तो चलो अब वैल्यू रखो, H2SO4 का मोलर मास मुझे लगता है आप सबको याद रहता है, दैट इज 98 अपॉन एन फैक्टर कितना है 2, कितना आया वैल्यू 49 आया। तो यहां से आप एक बात समझ पा रहे हैं कि मोलर मास है 98, इक्विवेलेंट मास आया 49, मतलब इक्विवेलेंट मास तुल्यांक भार हमेशा मोलर मास के इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, क्लियर। एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं, मैं मान लीजिए फॉस्फोरिक एसिड आपको दे दिया H3PO4, कैसे टूटेगा
थ्री टाइम्स एच प्लस प्लस फॉस्फेट आयन पी ओ फोर माइनस थ्री, एन की वैल्यू इस बार कितनी आ गई थ्री। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट मास अगर कंसिडर करने जाऊं तो फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास भी सल्फ्यूरिक एसिड टाइप 98 ही आता है, बट 3 से डिवाइड करूंगा यहां कितना आया 32.66। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप यहां से साफ साफ समझ पा रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट मास है वो मोलर मास के या तो छोटा है या तो कभी कभी उसके इक्वल होता है। तो ये आपने रिलेशन ला लिया इक्विवेलेंट मास वर्सेस मोलर मास में, ठीक है। बात यहां तक पूरी समझ में आई, इसको नोट कर लो ना, ठीक है। ये बस आप कॉपी में रखो, मैं क्योंकि इसको हटाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं अभी नहीं हटा सकता, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ध्यान दे दिया आपने, अभी अभी रिलेशन क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या पढ़े, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये बात सॉल्यूट की थी इसलिए एन भी लगा दिया मैंने, इसमें बी मत लगाना ना, ये ए और बी यहां नहीं रहेगा, ये एन फैक्टर है, पूरे कंपाउंड के लिए रहेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट यहां जस्टिफाइड नहीं करना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ईबी है इसकी जगह पे मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर यूज करूं तो मेरा क्या आया था ऊपर में डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन में, ईबी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं एम बी अपॉन एन इंटू बगल में क्या चल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एन पल्टी मार के आ जाएगा ऊपर, कूद गया ऊपर, अंदर में क्या बच रहा है डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और डियर स्टूडेंट ये इतना पार्ट क्या कहलाता है, ध्यान से याद करो, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया, मतलब कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में हमको एक रिलेशन मिल गया कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, समझ में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा, इस रिलेशन से क्या फायदा होता है, इस रिलेशन से ये फायदा होता है कि आपको ना अगर मोलैरिटी की वैल्यू पता है ना तो नॉर्मैलिटी में ऐसा फॉर्मूला लगा के चीजों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर ला पाएंगे। कैसे ला पाएंगे, चलो मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं अब इधर की चीजों को हटा दे रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लो अगर नहीं किए होगे तो। चलिए तो आप नोटिस करना मेरी बातों को कि अगर मोलैरिटी पता हो तो आप समझ जाओ कि नॉर्मैलिटी भी पता है, बात समझ में आ रहा है ना, दोनों भाई भाई है, एक आया तो दूसरा आएगा ही, दिन रात का जोड़ी है, भले एक साथ नहीं आए पर एक आएगा तो अगले दिन दूसरा आना ही आना है। तो भैया यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पर मेरा कुछ कंपाउंड है, ठीक, ये उनकी मोलैरिटी है और ये क्या है नॉर्मैलिटी, यूनिट जान लेना ना, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर और नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होगी इक्विवेलेंस पर लीटर, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं और इसी को हम लोग मोलर भी बोलते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, मान लो मैंने HCl बोला, HCl बोलते ही आप लोग समझ गए फैक्टर कितना आ चुका है, उस समय मान लो मेरा HCl है उसकी मोलैरिटी दी हुई है, एक HCl सॉल्यूशन है उस समय उसकी मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर, आपसे पूछ रहा नॉर्मैलिटी क्या आएगा, सॉल्व ही नहीं करना है ना, सीधे ये रिलेशन लगाना ना, सीधे रिलेशन भैया हम तो पता है कि नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू होता है n * n, HCl के लिए n फैक्टर आया 1 और मोलैरिटी आई है 2 मोलर, फाइनली मैं सॉल्व किया आंसर क्या आ गया 2 मोलर, कहानी खत्म, मतलब मोलैरिटी पता है एक सेकंड में आपको नॉर्मैलिटी की वैल्यू मिल जानी है, आपको बस कंपाउंड पता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो हमारे पास फिर से दिया है H2SO4 और ये बोला है ये 3 मोलर इसका कंसंट्रेशन है मोलैरिटी के टर्म में, H2SO4 बोलते ही आप समझ गए n की वैल्यू आ गई है 2, नॉर्मैलिटी चाहिए, नॉर्मैलिटी तो होता है n * m, n की वैल्यू है 2 और मोलैरिटी की हुई है 3, आंसर क्या है 6 नॉर्मल, कहानी खत्म। तो मोलैरिटी पता हो तो नॉर्मैलिटी मिल जा रहा है, या नॉर्मैलिटी पता हो तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दो मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी, एकदम जुड़ा है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको मेरे ख्याल से मेरे क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले बच्चों आप लोग इसका आंसर करना ना, मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है 3 मोलर, अब पूछ रहे इसकी नॉर्मैलिटी क्या आने वाली है, ठीक है, तो ये AlCl3 ब्रेक करो कैसे टूटेगा, Al+3 +3 टाइम्स Cl-
आप कोई एक चार्ज कंसिडर कर दो, तो पॉजिटिव चार्ज मेरा 3 आया, इसलिए n फैक्टर 3 ले लिया। नॉर्मलिटी में लगाने लिया n फैक्टर इनटू मोलारिटी, n फैक्टर 3 है, मोलारिटी भी 3 है, आंसर आ गया 9 नॉर्मल। तो आप ये बातें समझ पाए कि अगर आपको मोलारिटी की वैल्यू पता है तो अगले स्टेप में आप नॉर्मलिटी बता पाएंगे, अगर आपको कंपाउंड पता हो, और कंपाउंड आपको देगा ना क्वेश्चन में, बिना इसके दिए तो सवाल अधूरा है, वो देगा ही देगा, टेंशन ही नहीं लेगा। तो ये आपने नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातों को कवर किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जब मोलारिटी पढ़ रहे थे तो खाली एक कंपाउंड तक नहीं पढ़े थे, है ना, हमने तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर की भी बात की थी ना। तो यहाँ भी करते हैं भाई, नॉर्मलिटी के साथ हम लोग ऐसा दो खर्चा तो व्यवहार करेंगे नहीं। आज अब हमारा क्या टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मतलब एक ऐसा कंटेनर रहेगा और उसमें बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल नॉर्मलिटी रहेगी। आपको पूछा जाएगा कि टोटल कंटेनर का, टोटल वेसल का, ओवरऑल मिक्सचर का नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या आएगी। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, सिंपल सी बात है, इसमें ए बी सी तीन सॉल्यूशन है, ए बी सी सॉल्यूशन सब अलग अलग है। आपको याद आ रहा होगा, अगर मान लो ए की मोलारिटी एम वन है और वॉल्यूम वी वन है, बी की मोलारिटी बच्चों एम टू है, वॉल्यूम वी टू है, सी की मोलारिटी एम थ्री है, वॉल्यूम वी थ्री है, तो नंबर ऑफ मोल तो तुरंत तुरंत लाल हो गए ना। नंबर ऑफ मोल्स, मान लो इसका नंबर ऑफ मोल एन वन आया, वो क्या आया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। इसका नंबर ऑफ मोल एन टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और इसके लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। बेहतरी है, थ्री थ्री करके लिए। जब हम लोग मोलारिटी पढ़ते थे, मैं बार बार मोलारिटी को क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मोलारिटी पढ़ने से नॉर्मलिटी क्लियर हो रहा है ना भाई। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता था, टोटल मोल्स सॉल्यूट के जो टोटल मोल्स आया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। याद आ रही है बातें, तो टोटल मोल्स में भी तीन अलग अलग हैं, तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, वॉल्यूम में वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जब आप डाटा रखते थे तो आप पाते थे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ये मोलारिटी के लिए था, किसके लिए था, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर की, एक पढ़ो दूसरा बोनस। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल इक्विवेलेंस, टोटल इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और आपने ये चीज तो पढ़ी है ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का मैंने अभी अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, याद करो जल्दी से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपने एक तो लिया था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या उसी को हम लोग नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी तो बोलते थे, याद है कि नहीं है। तो मान लो अगर मैं ए का इक्विवेलेंस लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मतलब एन वन वी वन, प्लस बी के लिए एन टू वी टू और सी के लिए एन थ्री वी थ्री, सबको क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, और नीचे टोटल वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। बट कहानी ये ट्विस्ट याद रखना, ये कब के लिए वैलिड है, कब के लिए वैलिड है, तो फॉर सेम टाइप सॉल्यूशन ओनली, केवल सेम टाइप सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब सेम टाइप सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब है, सेम टाइप सॉल्यूशन का मतलब है बच्चों, इसको चलो आप लोग नोट करो, मैं इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बस इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर और ज्यादा मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेम टाइप सॉल्यूशन ये जो वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप ना सेम नेचर का सॉल्यूशन रखो, कंपाउंड रखो। मतलब एक एसिड है
तो दूसरा भी क्या रहे, एसिडिक रहे। एक बेस है तो दूसरा भी बेस रहे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर ना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर। इसमें मैं पहला केस ले रहा हूं, पहला केस ले रहा हूं केस वन, फॉर सेम टाइप कंपाउंड, सेम टाइप कंपाउंड है, ठीक। सेम टाइप कंपाउंड का मतलब ही क्या हो गया कि या तो पहला एसिड रहा है, दूसरा भी क्या रहा है, एसिड, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक दोनों क्या रहे हैं, एसिड एसिड रहे। लाइक मैंने HCl में ना H2SO4 मिला दिया, ठीक, और उससे मेरे एक नया सॉल्यूशन बना, बना ना सॉल्यूशन, दोनों क्या है, एसिड एसिड है। तो AA टाइप बोल सकता हूं, या मैं इसी को बेस में बेस ऐड किया तो BB टाइप भी बोल सकता हूं। बात समझ आए ना, A मतलब एसिड और B मतलब बेस, यहां सॉल्यूट सॉल्वेंट मत मान लेना, ये सिर्फ बेस का ट्रिक बस बता रहा हूं, एग्जांपल करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। मान लो HCl है, इसकी नॉर्मैलिटी N1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, तो इसका इक्विवेलेंस कितना आएगा, तो आप समझ गए N1 V1। मेरा H2SO4 है, इसकी नॉर्मैलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, इस समय इसका इक्विवेलेंस क्या आएगा, तो आप समझ गए N2 V2। ये नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ही तो इक्विवेलेंस है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स, और नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इक्विवेलेंस। क्लियर हो रहा है, इक्विवेलेंस 1 मान लो, ये इक्विवेलेंस 2 मान लो, दो अलग अलग हमारे एसिड है। जब एक एसिड को दूसरे एसिड में ऐड किया गया ना, तो ये एसिड है, ये क्या रिलीज करता है, H+, ये भी क्या रिलीज करेगा, H+, तो जो ओवरऑल H+ का जो अमाउंट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब H+ का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय जब फाइनल नॉर्मैलिटी आएगी, जो फाइनल नॉर्मैलिटी आएगी उसकी वैल्यू भी बढ़कर आएगी। और नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे करते हो, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब V1 प्लस V2। न्यूमरेटर में क्या आता है, टोटल इक्विवेलेंस, पहले वाले का इक्विवेलेंस क्या है N1 V1, दूसरे वाले का इक्विवेलेंस क्या है N2 V2। मैंने अभी तो आपको बताया कि भैया H+ का जो कंसेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, इसलिए नॉर्मैलिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल। तो ये फॉर्मूला आप तब वैलिड करेंगे, प्लस तब लगाएंगे, जब आपके कंपाउंड क्या रहे, सेम टाइप के रहे। इसी कहानी में दूसरा केस लाता हूं मैं, केस नंबर 2, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक। यहां नोटिस कीजिएगा कि एक एसिड आए तो दूसरा बेस आ जाए AB टाइप, या पहला बेस आए तो दूसरा हमारा क्या आ जाए, एसिड आ जाए BA टाइप। बात देखिए, ठीक, ध्यान देना ना। एग्जांपल ले लिया मैंने HCl लिया, HCl एक एसिड है, उसकी नॉर्मैलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, तो प्यारे बच्चों इस समय इसका इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, N1 V1 लगा दिया मैंने, क्योंकि पहला केस ले रहा। मैंने एक एसिड लिया, दूसरा बेस ले लिया ना, तो बेस के लिए मैं चलो NaOH ले लिया, उस समय इसकी नॉर्मैलिटी N2 थी, वॉल्यूम V2 थी, इस दफा इसका इक्विवेलेंस आप बता सकते हो, तो वो हमेशा नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम होता है N2 V2। अब आप एक चीज नोटिस करो कि जो नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर आएगा, ठीक, आप बताओ कि वो इस बार इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप मान लो 5 लीटर एसिड लिए या 10 लीटर एसिड लिए और उसमें 5 लीटर बेस मिला है, तो जो एसिड है वो H+ रिलीज कर रहा है, जो बेस है वो OH- रिलीज कर रहा है, और ये H+ OH- एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर दे रहा है। बात पकड़ पा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो कंपाउंड है ना वो न्यूट्रलिटी में इंटर कर जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है हमारा सॉल्यूशन आधा से ज्यादा, क्योंकि एसिड और बेस क्रिएट करेंगे तो न्यूट्रल ही तो होगा, सॉल्ट तो बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े तो हो। तो आप समझना ना, 10 लीटर एसिड में मैंने 5 लीटर बेस मिलाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन लगा रहा हूं, तो ये 5 लीटर बेस ना 5 लीटर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर सेम स्ट्रेंथ, सेम मोनो एसिड बेस या मोनो बेसिक एसिड टाइप का रहा तो वो न्यूट्रल कर दिया, बट 5 लीटर एसिड अभी भी क्या है, बचा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो फाइनल वैल्यू है, पहले 10 लीटर एसिड था, अब फाइनल वैल्यू 5 लीटर का आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो
जब आप नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर लगाती हो, ये कहता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंस, सॉरी न्यूमिनेटर में रहता है टोटल इक्विवेलेंस, तो टोटल इक्विवेलेंस क्या रहेगा N1 V1, यहां कौन रहेगा N2 V2, बिकॉज इनका नेचर अलग है, एक एसिड है दूसरा बेस है, इसीलिए ये लोग एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे, और इनके रिड्यूस होने के कारण फाइनल नॉर्मेलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो नॉर्मेलिटी है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पर N1 V1 की वैल्यू N2 V2 की वैल्यू से ज्यादा है, मतलब कि एसिड का इक्विवेलेंस बेस के इक्विवेलेंस, N2 V2 किसका था, बेस का था, N1 V1 एसिड का था, तो अगर एसिड का इक्विवेलेंस बेस के इक्विवेलेंस से ज्यादा है, मान लो एसिड का इक्विवेलेंस 10 है बेस का 5 है, तो 5 बेस 5 एसिड को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट 5 एसिड अभी और बचेंगे, इसका मतलब कि जो ओवरऑल सॉल्यूशन लास्ट में बचेगा वो कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। कैच कर पा रहे इस बात को कि अगर N1 V1 की वैल्यू N2 V2 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली इसी में एक और पॉइंट कि अगर N2 V2 मतलब बेस का इक्विवेलेंस एसिड के इक्विवेलेंस से ज्यादा हो जाए तो क्लियर है बात कि भैया सॉल्यूशन इस बार कैसा आएगा, बेसिक आएगा। अब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इस बार अगर मैं कंसिडर करूं तो आपको नॉर्मेलिटी तो पॉजिटिव लेनी है, मतलब N2 V2 माइनस N1 V1 अपॉन में V1 प्लस V2 करना ना, ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला। V1 माइनस V2 मत कर देना क्योंकि वॉल्यूम कभी घटता नहीं है, इसका एक लीटर इसका एक लीटर जोड़ोगे 2 ही लीटर होगा भाई, यानी कि सर 1 लीटर एसिड लिया 1 लीटर बेस लिया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, चढ़ गए आप लोग आसमान में, नहीं जाना भाई, ठीक है। वॉल्यूम कभी भी ऐड ही होगा, इसका 1 लीटर कॉमन सेंस है 2 लीटर होना है, तो वॉल्यूम में माइनस मत लगाना ना। कई बार हम लोग चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं इसलिए गलतियां होती हैं। तो ये था भाई जो आपका पूरा का पूरा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर और उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट कि भैया आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट की नॉर्मेलिटी कैसे लाएंगे, पूरा मिक्सचर की नॉर्मेलिटी लानी होगी तो कैसे लाएंगे, और जो नॉर्मेलिटी है वो ऑब्वियस सी बात है कि दो अलग अलग फैक्टर्स अगर अलग अलग कंपाउंड आ रहे हैं उस पर डिपेंड भी करेगी। इसी में मैं एक काम करता हूं, मैं केस 3 भी बना देता हूं बच्चों। केस 3 है हमारा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ना, IIT एडवांस का ना फेवरेट जोन है, ना फेवरेट जोन है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस, ठीक। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में आप इतना समझिए कि जैसा एसिड जितना था उतना ही क्या है बेस है, मतलब कि एसिड के इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ बेस, मतलब अम्ल के तुल्यांकों की संख्या क्षार के तुल्यांकों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा मैं एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एसिड के इक्विवेलेंस बेस के इक्विवेलेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक सवाल बना लेते हैं जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा यूज कर लिया जाए कि मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी फॉर 38% W/W, ठीक है, 38% W/W HCl solution if its density is, यहां density of solution दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे 1.2 ग्राम पर लीटर या मिलीलीटर जो भी है, ये क्वेश्चन है। देखो पिछले क्लास में हमने ऐसा परसेंट W/W ये सब क्या होता है उसके बारे में जाना था, अभी यूज करेंगे। और बड़ा प्यारा सवाल है, अभी तक जितनी चीजें पढ़े हो सब कुछ इसमें रिवीजन हो जाने वाला है ना, और सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन एडवांस में नीट में दोनों में आ चुका है ना, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस डाटा कुछ और था, 38% जैसे मैंने मान लिया है वहां 20% रहा होगा, NCERT में भी क्वेश्चन है और आ भी चुका है ना JEE में। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक चीज आप समझिए, फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी आप सॉल्व करें ना तो आपका पेन चलना चाहिए बच्चों,
हे दाई हे ददा कैसा सवाल आ गया, हमसे तो बनेगा ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है ना, सोचना ही नहीं है बेटा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के 90% आंसर तो उस सवाल के अंदर भरे रहते हैं। बस आप कलम चलाओ, कलम चलाओ के दिमाग चलेगा, सवाल को बनना ही होगा, हर चैप्टर के सवाल बनेंगे, इस चीज का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ। बस आप पेन चलाओ, जो छोटी छोटी बातें आपको पता है ना, बस उसको लिखना शुरू करो। तो छोटी छोटी बातों में हमको सबसे पहले तो ये समझ में आया कि 38% WWHCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ। तो आपने पिछले क्लास में सीखा हुआ है कि भैया यहाँ पे 38 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भैया W बाय W का मतलब क्या होता है, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मीनिंग होता था। और इस छोटे से चीज से हम लोग को ये चीज मिल जाता था, वो है सॉल्यूट का मास। किसका मास, सॉल्यूट का, HCl है ना सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे लेना बच्चों, B से, सॉल्वेंट को A से, या चाहे तो W2 भी कोई लिख सकता है, क्योंकि मैं पहले से सिखा दिया हूं कि सॉल्यूट मतलब या तो B या तो 2, सॉल्वेंट मतलब आइदर A और 1, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास हमारे पास है 38 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हमको मिल चुका है टोटल कितना ग्राम का सॉल्यूशन है, तो भैया 100 ग्राम का है। सॉल्वेंट की मास अगर जरूरत रहती तो वो कितना आ जाता, माइनस कर देते, 62 ग्राम आपका सॉल्वेंट होता, पर हमको तो लेना ही नहीं है ना, मैंने पहले ही बोल दिया है मोलैरिटी नॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, सॉल्वेंट का रोल ही नहीं है ना, पूरा सॉल्यूट सॉल्यूशन से सवाल बन जाना है, तो जाना ही मत सॉल्वेंट को लाने, केवल एक जगह सॉल्वेंट का रोल है, वो है मोलैरिटी, याद रखना इस बात को। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो हो गया मोलर मास ऑफ HCl, तो सबको याद होता है भैया हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5, ऐड किया मोलर मास कितना आ गया 36.5 ग्राम, वेरी इजी, ठीक है। चलिए आपको पहले ना मोलारिटी लाना है, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है WB into 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डाटा रखिए ना, WB की जगह पे मैंने कितना रख दिया 38 into 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो यहां 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे सवाल में पहले से मेंशन है वॉल्यूम किस में लेके चलाना है, मिलीलीटर, इसीलिए मैंने पहले ही देख लिया 1000 मल्टीप्लाई करा दिया। मोलर मास मेरे प्यारे बच्चों 36.5 into, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का डाटा आपके पास नोन है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो अभी फिलहाल नहीं पता, तो नहीं पता तो टेंशन नहीं है ना, यहां तक की चीजें करने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो होना नहीं था, बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा और वो पॉइंट बड़ा इजी सा है, आप सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट इसको इधर और इसको इधर भेज दो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आने वाला है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2, इस डाटा को लाके यहां पुट कर दो, तो अब मैं मोलारिटी क्या कहूंगा, यहां रखिए कितना है 38 × 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 into volume of solution, volume of solution की जगह पे बच्चों 100 upon 1.2 हो गया, सवाल खत्म, खुल गया है सवाल पूरा, 38 into 1000 into 1.2 पलट के ऊपर आ गया, नीचे क्या है 36.5 into 100, ठीक है। ये बड़ा अच्छा लगता है ऐसे 2-0 गायब, बहुत सुकून मिलता है जब चीजें कैंसिल होती हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ बच्चा है 10 और ये है 1.2, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, डरना नहीं है, कैलकुलेशन वर्क बहुत आसान है, 2-3 सेकंड में होता है कैलकुलेशन। इस 10 को 1.2 से मल्टीप्लाई कराया क्या हो गया 12, और ये मान लो 36, क्यों 36 मान रहा हूं, क्योंकि आंसर पॉइंट में है, सॉरी किसने दिया है पॉइंट में, जब भी डेसिमल में दे आपको एग्जैक्ट आंसर लाना ही नहीं ना, आपको अप्रोक्सीमेशन पे काम चलाना है, ठीक है। नीट और जेई में भी आ जाए ना, तो आपको तो ऑप्शन ऐसे भी आसपास के दिख के आप लोग आंसर कर लेंगे, आप अप्रोक्सीमेटली जाइए, ये 12 हो चुका है, 10 × 1.2 = 12, और नीचे 36 सीधे मैंने काट दिया 3 से, और ये 3 18 से जब 38 अपॉन 3 करूंगा तो 12 से तो बड़ा वैल्यू आएगा, 13 से छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि 13 3 39 होता है, यहां 38 है, तो
तो मैं 12 और 13 के बीच का आंसर 12.5 मोल पर लीटर मान लूंगा, कहानी खत्म। ये आ गई मेरी मोलैरिटी, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड चीज आपसे पूछा गया था नॉर्मेलिटी लाना है, तो भैया HCl के लिए अगर आप बात करोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, n फैक्टर कितना लेता है 1। तो अब आपको तो पता है ना नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नथिंग बट एक बार मोलैरिटी आ जाए तो नॉर्मेलिटी तो बगल में खड़ा है, n फैक्टर 1 आ चुका है, मोलैरिटी आप ला चुके 12.5, तो नॉर्मेलिटी कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 12.5 इक्विवेलेंस पर लीटर, या इसी को आप लोग नॉर्मल भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपने बड़ा प्यारा सा सवाल देखा और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यूज को कंसीडर किया। तो इस सवाल को नोट कीजिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो ट्वेल्थ के सॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा ट्वेल्थ में मोलैरिटी को क्यों पढ़ा जाता है ज्यादातर, क्योंकि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ये दोनों के दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बट जो मोलैरिटी है वो बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए सॉल्यूशन चैप्टर 2 क्लास 12 जो सॉल्यूशन का चैप्टर है उसमें मोलैरिटी का पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा ना, इनका नहीं होगा, पर इनको आपको सीखना जरूरी था। तो आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन का हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है, दैट इज मोलैरिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये, इसको स्मॉल एम से, मोलैरिटी कैपिटल एम से, मोलैरिटी स्मॉल एम से, हिंदी में मोलालता कहेंगे और कुछ नहीं। होता क्या है ये मोलैरिटी, तो आप समझिए, मैंने बार बार 10 बार बोला होगा ये चीज कि मोलैरिटी इज अ सिंगल कॉन्सेप्ट जहां सॉल्वेंट का यूज होना है। ठीक है, तो भैया इसका जो डेफिनेशन बनता है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, तो पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि भैया मोलैरिटी या ऐसा लिख, चलो लिख लो डेफिनेशन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या होता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसमें सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट आया, अदरवाइज हमेशा सॉल्यूट के साथ कौन आता था, सॉल्यूशन आता था, फर्स्ट टाइम सॉल्वेंट की एंट्री हुई है ना। ठीक है, मतलब कि विलायक के मोलों की संख्या 1 kg विलायक में। चलिए, तो मोलैरिटी का अगर बच्चों मैं फॉर्मूला बना रहा हूं मोलैरिटी, तो आप समझ पाएंगे इसका एक्चुअल में क्या होना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको आप किससे लेंगे, NB से, क्योंकि सॉल्यूट किस में लेना है, B से लेना है, या तो N2 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई यहां क्या आएगा, वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। भैया केजी में क्या लेते हो, वेट और मास से लेते ना। आप बोलोगे नहीं सर, वेट तो न्यूटन में लेते हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं W=mg, तो बात तो वही है ना कि केमिस्ट्री में आप लोग ग्रेविटी लोगे नहीं, केमिस्ट्री में वेट या मास नियरली सेम कंसिडर करना ना, हाँ फिजिक्स में चीजें बदल जाएंगी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। तो मेरे प्यारे बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, A है। तो अगर मैं मोलैरिटी का जनरल फॉर्मूला जनरेट करूं तो प्यारे बच्चों यहां से आप लोगों को दिखेगा NB की वैल्यू NB अपॉन WA, WA किसमें अभी फिलहाल किलोग्राम में है। बाय चांस अगर हमारा ये WA जो है वो किलोग्राम में ना हो कि ग्राम में हो, और जनरली तो ग्राम में ही रहेगा, तो आप ऊपर में किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 का। जैसे वॉल्यूम लीटर में रहता था तो मल्टीप्लाई नहीं होता था कुछ भी, बट जैसे ही मिलीलीटर में आता था 1000 मल्टीप्लाई हो जाता था ना, वैसे यहाँ किलोग्राम की जगह अगर क्वेश्चन ग्राम में देगा और ग्राम में ही देगा, ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन किलोग्राम में नहीं रहते हैं, तो ऊपर में आपको 1000 को मल्टीप्लाई करा देना है। और एक और चीज, ये NB आप सब लोग को समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस NB की जगह पे जब मैं डाटा रखूंगा तो मैं रखूंगा WB, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और बगल में क्या है हमारा WA, ऊपर में क्या 1000। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखा, अब इसको हम लोग को यूज करना है। याद रखना WB क्या है, WB सॉल्यूट का मास, MB सॉल्यूट का मोलर मास,
और डब्ल्यू क्या है, सॉल्वेंट का मास। क्लियर? ठीक है, एक सवाल है, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। एक सवाल है, इसको बनाने से हमारा ये फॉर्मूला और उस पर कमांड आ जाएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, चलिए देख दे रहा हूं मैं, इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। चलिए बच्चों आराम से ना चीजों को देखना। भैया सीधी सी बात है कि यहां पर आप लोग को एक दिया इथेनोइक एसिड और ये हमारा बेंजीन C6H6। ऑब्वियसली इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसको आप लोग किसकी तरह बिहेव करा लीजिए, सॉल्वेंट की तरह, और ये मेरा क्या बन गया, फिर सॉल्यूट बन गया। ठीक है, तो सॉल्यूट मतलब ये बी है, ये क्या है, ए है, और यहां से आप लोग को चीजों को कंसिडर करना है कि भैया यहां पर आप लोग को सॉल्यूट का मास कितना दिया है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 2.5 ग्राम, और यहां पर आप लोग का सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, तो दैट इज 75 ग्राम। सॉल्यूट इथेनॉइक एसिड है तो उसका मोलर मास तो आप कंसिडर कर सकते हैं ना, पेयर टू कार्बन 24, फोर हाइड्रोजन, अगेन फोर आया था, 24 प्लस 4 28, और ये कितना हो गया 16 into 2 32। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप पा रहे होंगे कि इसका मोलर मास कितना आ रहा है, 60 ग्राम। आपको क्या लाना है, आपको लाना है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी आपको पता है, ठीक है, एम बी भी आपको पता चल चुका है, डब्ल्यू ए भी आपको पता है, 1000 मल्टीप्लाई बस कराना है। तो डाटा रखिए ना सीधे सीधे, ठीक है, डब्ल्यू बी की जगह पे मैंने रख दिया 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 इंटू 75। अब इसको सॉल्व कीजिए आप सिंपली, ये 2.5 है और ये 75 है, आप सीधे सीधे करेंगे तो ये 30 में चला जाएगा, ठीक, फिर ये 30 से ये फिर से कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको मोलालिटी मिल कितनी रही है, ऊपर आ रहा है 10 और नीचे कितना आ रहा है 18। तो आप समझ पा रहे हैं ये डाटा जो है ना, ये डाटा नियरली 0.5 के आसपास आएगा, क्योंकि 1/2 मान लो ना 0.5, बट बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए फाइनल वैल्यू 0.5 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो 0.55 मान लो या 0.56 मान लो, ये है मोलालिटी। यूनिट क्या आ जाएगा, तो यूनिट तो आप यही समझ पा रहे हैं ना कि मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यूनिट क्या आया था, मोल पर केजी। तो यूनिट क्या आ गया, मोल पर केजी, या कई बार इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, मोलल। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कितना आसान है मोलालिटी का कॉन्सेप्ट, सवाल को नोट कीजिए बच्चों। फिर हम एक लास्ट पैरामीटर में पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं जो क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, खूब मजा आने वाला है इसमें। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक है, सलमान खान याद आ गए, नहीं सल्लू भाई। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन, चलो जान लो। तो जो मोल फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में, फ्रैक्शन का मतलब ही आप समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या समझते हो कि भैया किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करना है। जैसे आपका रिजल्ट आता है 10th 12th का, वो फ्रैक्शन में आता है 84.4%, 98.6%, बात समझ में आ रहा है, तो नंबर फ्रैक्शन से ही आया ना, दो नंबर के डिविजन से। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि आपको फ्रैक्शन में डाटा रखना है, मतलब पी बाई पी क्यू के फॉर्म में रखना है। नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऊपर में हमेशा छोटा डाटा रहेगा, नीचे बड़ा डाटा रहेगा, तो नीचे तो आप लोग टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही लोगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
अब मैंने क्यों बोला ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा डाटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बच्चों हमेशा 1 से कम आएगी ना, फाइनली 1 के इक्वल हो सकती है, कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, याद रखना। और ऊपर में क्या आएगा, तो इसमें आएगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आप लोग ले रहे होंगे चाहे वो सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो जो भी हो, उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन मेरे पास बी है। जो ए है आप समझ लीजिए कि ये सॉल्वेंट है मान लीजिए, और बी जो है ये क्या है, सॉल्यूट है, हमेशा तो ऐसा ही लेते हैं हम लोग। बाहर से बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, चलिए ठीक है पढ़ाई करते हैं। तो ए और बी दो है हमारे पास, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे एन ए, और इसके नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे एन बी। इन दोनों को मिलाने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से क्या बनता है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। विलय विलय मिलकर विलयन बना। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स क्या आएंगे भैया, एन ए प्लस एन बी, सॉल्यूट सॉल्वेंट का एन ए, सॉल्यूट का एन बी, और टोटल कितना आ गया सॉल्यूशन का एन ए प्लस एन बी। आप सब बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब कि सॉल्वेंट का मोल प्रभाज, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस यहां रख दो, तो सॉल्वेंट का कितना है, सब्सटेंस हमारा ए है तो यहां भी ए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है एन ए प्लस एन बी। ऐसे में अगर बोलता कि प्यारे बच्चों सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ला दो, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, वेरी इजी। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है ना कि वो क्वांटिटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके मोल्स को आप ऊपर रखो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऐसे ही अगर मास फ्रैक्शन बोलता तो आप इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलता तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ो दो तीन अपने आप तैयार, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स पे मास फ्रैक्शन, मास में वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम में ले लेना, कहानी तो सेम है। अच्छा बच्चों यहां से ना एक काम करते हैं हम लोग, मैं ना एक्स ए प्लस एक्स बी करता हूँ, एक्स की वैल्यू आप लोगों ने ला रखी है दैट इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी की वैल्यू आपने ला रखी है दैट इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ सही से तो नीचे क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी दोनों में कॉमन तो है ना, ऊपर क्या आ जाएगा दैट इज एन ए प्लस एन बी। तो आप देखेंगे नीचे ऊपर दोनों सेम है, मतलब ये कैंसल हो जाएगा और फाइनली एक नया रिजल्ट मिला कि एक्स ए प्लस एक्स बी की जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सम का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसके 1 आने से आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको एक्स ए की वैल्यू पता है, सॉरी एक्स बी की वैल्यू पता है, तो तुरंत 1 माइनस कर देना एक्स से आ जाएगा ना, देखो एक्स बी को उधर भेज दिया। या मान लो अगर आप लोग को एक्स बी लाना है और एक्स ए की वैल्यू पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स ए 0.4 दिया है और आप सब पूछ रहे हैं एक्स बी कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, सीधे आप 1 माइनस एक्स ए करिए 0.6 आएगा, क्लियर हो रही बातें। तो कहने का मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन में ना एक चीज निकलता है ना तो दूसरा बोनस में निकल जाता है। अब ये तो वो क्वेश्चन हुआ जिसमें ना दो ही अलग अलग हमारे कंपाउंडर हैं, अगर मान लो एक कंपाउंड में 2 से ज्यादा रहे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चों, जितने भी आपके जितने भी कंपोजिशंस हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का जो फाइनल सम होगा ना वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1। मान लो मैंने ना 10 कंपाउंड को मिला के एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया, तो उन सभी 10 के 10 का जो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन आया ना उसका सम करने पर कितना आएगा फाइनल रिजल्ट, 1। अगर 1 आ रहा है तो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कहीं पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लोग नोटिस रखो, और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन पूरे 12th सॉल्यूशन चैप्टर में ये चलते रहने वाला है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, देन हम लोग इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना हम उसको बना लेते हैं। चलिए तो डियर स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन है जो मोलैरिटी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो पहला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, बड़ी अच्छी बात है वही तो पढ़ ही रहे हैं, इन अ बेंजीन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन किसका लाना है, बेंजीन का लाना है।
इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ना, मतलब 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की बात कर दिया, ठीक है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। पहले कुछ नोटिस करना, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब बेंजीन ना कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व हुआ है। तो यहां आप समझ गए कि यहां पर आपको दो चीजें हैं, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है और दूसरा कौन है, बेंजीन है। इस बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व होने के कारण ये किसका रोल प्ले करेगा, सॉल्वेंट का, और ये बन जाएगा भैया हमारा सॉल्यूट। क्लियर? तो सॉल्यूट को किससे लोगे, बी से लोगे, सॉल्वेंट को किससे लेना है, ए से लेना है। कहानी अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अभी तो हम सवाल पढ़ के यहां तक की बातें समझ पाए कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। अब मेरे डियर स्टूडेंट, आपको बोला है 30% बाय मास, तो 30% बाय मास का मतलब ही हो गया ना कि 30 ग्राम बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक, मतलब कि बेंजीन का मास आपको मिल चुका है 30 ग्राम, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। तो भैया सॉल्वेंट का मास आप इमीडिएटली नहीं ला पाए 70 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तो मिलके आपका सॉल्यूशन वहां तैयार करेंगे ना भैया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी दोनों मिला केवल इस एक छोटे से स्टेटमेंट से, सवाल में कोई डाटा नहीं दिया है, बस इतना सा डाटा दिया है, पर उस एक छोटे से डाटा से हमने कितनी सारी चीजों को पा लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन सबका मास मिल गया, सॉल्यूशन का मास हमको लेना दे रहा है। ओके, सिमिलरली मोलर मास ला दो, दिया बेंजीन का मोलर मास ला बना तो 12 × 6 = 72 + 1 × 6 = 6, दोनों को ऐड करो, बेंजीन का मोलर मास कितना आता है 78 ग्राम। यहां पर अगर आप तो चेक करोगे क्या था हमारा CCl4 ना, CCl4 का जब आप मोलर मास चेक करोगे, इसको MA ले दे रहा हूं, क्लोरीन का होता है 35.5 × 4 करूंगा ना तो वो कितना आने वाला है 142, और यहां पर ये 12, टोटल कितना आ गया 154 ग्राम। सिंपल सी बात है। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको तो मोल फ्रैक्शन चाहिए बेंजीन का, तो उसके लिए तो पहले मोल्स चाहिए ना, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल तो लाओ, तो मैं मोल ला लूं ना इनका, इसका मोल क्या हो जाएगा WA अपॉन में MA, मतलब कि 70 / 154। सिमिलरली अगर मुझे NB चाहिए, NB कैसे आएगा, WB / MB, सॉल्व करने से ये होगा 30 / 78। तो यहाँ पर आप लोग NA और NB की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट पाने वाले हैं, तो ये जो ये आ रहा है बच्चों 0.038, और यहाँ पर 70 / 154 करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.45। एक दफा NA और NB मिल गया, देखो ये सवाल मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है, इसलिए हो सकता है डाटा याद हो, बट आप लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है बच्चों, ए है कि बी है, बी है, तो मुझे XB चाहिए, मुझे क्या चाहिए XB, वो क्या होने वाला है Na / Na+NB, मतलब 0.38 / 0.38 + 0.45। आप इसको सॉल्व करना, आपको सीधे सीधे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, और एक बार बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मिला तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं आपको XA की वैल्यू इमीडिएटली मिल जाएगी, 1 माइनस कर देना ना XB को, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन डाटा मैंने पहले सॉल्व किया है तो 0.46 मिला। हमसे सवाल में केवल बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन पूछा था, बाय चांस अगर हमसे पूछ देता कि आप CCl4 का भी मोल फ्रैक्शन ला लो तो 1 - XB करके सीधे आंसर ला लेते, कितना मिलता हम लोग को 0.54। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों हम लोग को मिल गया। सवाल कितना इजी होता है मोल फ्रैक्शन का, बात समझ में आ रहा है कि आपको नोटिस केवल इस बात पे करना है कि नंबर ऑफ मोल्स लाना है, क्या डाटा दिया है उसमें से क्या दिमाग लगाओ, कैसे भी आप लोग करके नंबर ऑफ मोल्स ला दो, एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए मोल फ्रैक्शन को तो आना ही आना है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, अब हम इस सवाल पे आते हैं, ठीक।
थोड़ा सा आज ज्यादा लंबा क्लास हो गया और थोड़ा सा बोर भी हो गए होंगे क्योंकि मैंने एक ही फ्लो में पढ़ा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्लास चलता है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका मोल फ्रैक्शन लाना है, ठीक है, अच्छी बात है। इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल। एक्चुअल में ऐसा होता है बच्चों, CH2OH, तो उसका फाइनल फॉर्मूला देख रहे हो तो C2 आया, यहां से 3 हाइड्रोजन, यहां से 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एथिलीन ग्लाइकॉल, या कई बार हम लोग इसको क्यों ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा हेल्पफुल रहता है ये। आप क्या बोल दिया, आपको डाटा दिया है, केवल एक ही तो डाटा दिया है, 20% उसी को पकड़ो। 20% बाय मास बोला है ना, फिर से आपको कई बार डब्ल्यू बाई डब्ल्यू करके नहीं देगा, आपको बस ऐसा दे देगा। तो 20% बाई मास का मतलब ही आप समझ गए कि 20 ग्राम ग्लाइकॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बस समझ में आया, मतलब यहां पर समझना बच्चों, ये मेरा ग्लाइकॉल है, ठीक है, इसके बाद इधर लिख देता हूं, ये ग्लाइकॉल है C2H6O2, ठीक, और उससे क्या बना है, सॉल्यूशन। बट ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकॉल किसी में तो ऐड हुआ है, क्योंकि ग्लाइकॉल तो सॉल्यूट का रोल प्ले कर रहा है ना। ग्लाइकॉल केवल किसका रोल प्ले कर रहा है, सॉल्यूट का। 20 ग्राम ग्लाइकॉल ना सॉल्यूट है वो, तो सॉल्वेंट कौन है, मेंशन है क्या क्वेश्चन में, नहीं मेंशन है। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आपको पता है, जिसका कोई नहीं उसका वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना। तो भैया जब सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो आप किसको कंसिडर करोगे, वाटर को। ये सॉल्वेंट है मतलब ये ए है, ये सॉल्यूट है मतलब ये क्या है, बी है। तो ये सॉल्यूट का मास आप लोग को मिल चुका है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी भी है, 20 ग्राम। सॉल्यूशन का मास तो आप बच्चे को पता है कि भैया सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। तो इमीडिएटली आप समझ गए कि जो सॉल्वेंट आ रहा है उसका मास आ गया 80 ग्राम। कितना आ गया, 80 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली वॉटर का मॉलिक्यूलर मास तो हमको याद ही रहता है, वॉटर का मॉलिक्यूलर मास एम ए 18 ग्राम। पहले आप लोग को मोल्स चाहिए ना, मोल्स के लिए आप लोग को मोलर मास तो चाहिए, गिवन मास तो मिल गया, मोलर मास चाहिए, डिवाइड करो मोल्स आने वाले हैं। इसके मोलर मास कितने आ रहे हैं, तो आप यहां से फॉर्मूला से देख लीजिए, 24 और ये 6 कितना हो गया, 30 और 16 ऐड कर दिया, इसका मोलर मास आ गया 46, ठीक। इसके मोल्स ला लूं मैं, Na क्या होने वाला है, Wa अपॉन में Ma, Wa की वैल्यू कितनी है, 80 अपॉन 18। सिमिलरली Nb की वैल्यू ला लीजिए, वो क्या आने वाला है, Wb अपॉन Mb, Wb है 20 अपॉन में 46। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तब आप देख पाएंगे कि यहां से 80 अपॉन 18, देखो 18 से 84 जा 72, फिर से 80 हो गया, फिर से 4 जा 72, फिर से 4 जा, तो इस तरीके से चल रहा है। सिमिलरली Nb की वैल्यू अगर चाहिए, Nb की वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करें आप लोग, 20 अपॉन 46 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये एक तो पहले पॉइंट पहले लगा, ये 200 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 200। तो एक मिनट, सॉरी, यहां पर ऑक्सीजन का मास हम लोग केवल 16 ही कंसिडर कर लिए हैं, 16 × 2 = 32 है बच्चों, तो इसमें 16 और ऐड करो तो 46 एंड 16 टोटल कितना हो गया, 62, ठीक, यहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, 62 कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने पॉइंट लगाया 200 हो गया। 3 का टेबल पढ़ाना है, 186 पे आ गया मैं, कहां आ गया 186, 200 है, 186 में क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा, वो 140 हो गया, 140 हुआ मतलब 62 है, तो 2 जा मिलाऊंगा मैं, तो 62 जा 2 जा कितना होता है 124, और आपके पास था 140, फिर से कितना बच रहा है आपके पास, लगभग आसम मिल लीजिए 0.32 रह दीजिए, इसके आगे आपको जरूरत नहीं है, यहां तक ला लिए ना, काफी है हमारा, सवाल हटा रहा हूं ना आगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए।
बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, और डिवीजन करना दो नंबर का तो ये तो आना चाहिए यार। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए था? चलो ए ऑर्डर का तो पूछा नहीं होगा, पक्का बी का पूछा होगा, सॉल्यूट का है ना, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का ही पूछा होगा। तो एक्स बी कितना होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक। एन बी कितना ला चुका हूं मैं, 0.32 डिवाइडेड बाई फिर से एन ए, एन ए कितना है 4.44 प्लस 0.32। तो जब इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो थोड़ा सॉल्व कर लेना, मैं डाटा लिख दे रहा हूँ 0.932। ये एक्स बी आया, एक्स से क्या होने वाला है 1 माइनस एक्स बी, मतलब 1 माइनस 0.932 को सॉल्व करूंगा तो मेरा एक्स ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, दैट इज 0.68। तो इस तरीके से आप लोग मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को बहुत इजीली डील कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो यहां तक हमने अभी इस लेक्चर में मोलैरिटी को फिर से देखा, नॉर्मैलिटी जाना, उसके स्पेशल केसेस को जाना, फिर मोलैरिटी को जाना, और आपने एंडिंग में मोल फ्रैक्शन के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस लेक्चर को मैं 11 के प्ले लिस्ट में डालूंगा और वो रहेगा इन सब का आपस में रिलेशन, मतलब कि नॉर्मैलिटी मोलैरिटी का रिलेशन तो आपने देखा, मोलैरिटी के साथ मोलैरिटी का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन के साथ मोलैरिटी का रिलेशन, मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन, ये सब जो रिलेशंस हैं इन पे डायरेक्ट नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बट ये चीज क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, इसलिए ये चीज मैं केवल 11th के प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए और खुद का खूब ख्याल रखिए।